ప్రజాస్వామ్యం దేశానికి సంబంధించిన ఒక వ్యవస్థ మాత్రమే కాదని మన స్వభావంతో పాటు జీవితంలో ఒక భాగమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఈ రోజు రేపు జరగనున్న 82వ అఖిల భారత ప్రెసైడింగ్ అధికారుల ప్రారంభ సదస్సులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రధాని మాట్లాడుతూ దేశాన్ని రాబోయే కాలంలో కొత్త శిఖరాలకు తీసుకువెళ్లాలని అసాధారణ లక్ష్యాలు సాధించాలని సూచించారు. సబ్కా ప్రయాస్ ద్వారా మాత్రమే మన లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయన్నారు. భారత సమైక్య వ్యవస్థలో అన్ని రాష్ట్రాలకు సమ ప్రాధాన్యం ఉంటుందన్నారు. के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है. लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है. आपकी यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है. ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है. अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं. क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य. कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य. सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो. हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है. इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है. हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा, और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है. खास तौर पर सदन में युवा सदस्यों को, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए. हमारा देश विविधताओं से भरा है. अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है. एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है. आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है. भारत 110 करोड़ वैक्सीन डोज, ऐसा बड़ा आंकड़ा पार कर चुका जो कभी असंभव लगता था वो आज संभव हो रहा है. इसलिए हमारे सामने भविष्य के जो सपने हैं, जो अमृत संकल्प है, वो भी पूरे होंगे. देश और राज्यों के एकजुट प्रयासों से ही ये पूरे होने वाले हैं.